हे गरुड़, ब्राह्मणों उल्लंघन करनारो अनेक नरकों ने भोगवी जन्मती आधड़ो अने गरीब थाय से, ये दान आपनारो नहीं परंतु दान मागनार होय से। पोतानी आपेली अने बीजाए आपेली ब्राह्मणनी जमीन छीनवी लेनारो 60,000 वर्ष सुधी कीड़ो बनी विष्ठामा रहे से। जे माणस अन्य ने आपेलू दान पोते ज जो पासु लई ले तो एवो पापी प्रलयकाल सुधी नरक मा वास करे से। ब्राह्मण ने भूमि अने जीविकानु साधन एक वार आप्या पसी पासु लई ले से के एनी रक्षा नथी करतो, ए पापी लंगड़ो कूतरो बने से। ब्राह्मणनी आजीविका बाधी आपनार ने 100 गायो आपवानू पुण्य मळे से। अने जे पापी ब्राह्मणोनी आजीविका ने हरे ले से ते वादरो कूतरो अथवा माकड़ू बने से। हे गरुड़, ऊपर कहेवामां आवेला आ तमाम चिन्हों अने योनियो जीवने पोताना कर्मों द्वारा प्राप्त थाय से। आ रीते दुष्ट कर्मवाला नरकनी यातनाओ भोगवीने शेष पापो भोगवा उपयुक्त योनिमा जन्म ले से। ये पछी वर्षा शीत उष्णताथी पैदा थयेला दुख भोगवीने एमना पाप पुण्य समान थाय से त्यारे मानव देह मळे से। आ जीव स्त्री पुरुषना प्रसंगथी गर्भमा जीवरूप थईने क्रमश मृत्यु सुधी अनेक प्रकारना दुख भोगवीने मरणने पामे से। तमाम शरीरधारीओना जन्म अने मृत्यु थाय से। चार प्रकारना भूत ग्रामो अडज स्वदेज उद्भज अने जरायुजनू आ प्रमाणे चक्र चाले से। मानवी मारी मायाथी कड़ियारना यंत्र जेवु भ्रमण करे से। कर्मना जाड़ामा बंधायेलो जीव क्यारेक मुक्तिलोक अने नरकमा जाय से। अदे आपवा योग्य न होय एवी वस्तुओनु दान करनारो दरिद्र बने से। अने दरिद्र होवाथी ते पापनु आचरण करे से अने पापना प्रभावथी नरकमा जाय से। आ प्रमाणे वारंवार दरिद्र अने पापी बने से। करेला शुभ अशुभ कर्मोनु फळ अवश्य भोगवू पड़े से। भोगव्या विना लाखो कल्पो सुधी कर्मफळनो क्षय थतो नथी। श्री गरुड़ पुराण 5मो अध्याय समाप्त। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।